हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। मैं हूं सचिन एंड यू वाचिंग माय चैनल ए सेलर। सो टुडे इज 14th ऑफ दिसंबर एंड अभी हैं हम करीबी में। जो ऑलरेडी जिन्होंने पिछला व्लॉग देख लिया उनको तो सब पता ही है एंड जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उनको भी सब पता ही है। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे तो डू फॉलो मी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। सो आज हमको यहाँ पे पूरे 6 दिन कंप्लीट हो गए हैं कैमरून में आए हुए एंड कल हमारी मेबी ज्वाइनिंग रहेगी क्योंकि हमारा शिफ्ट था वो बेनिन कंट्री में था। बेनिन कंट्री में थोड़ा डिले हो गया, वहाँ से चल के अभी यहाँ पे आया है और आज मॉर्निंग में 8 o'clock एंकर ड्रॉप करेगा और कल मॉर्निंग में हमारी ज्वाइनिंग रहेगी जब पोर्ट पे आएगा। आज दिन में मैं आपको इस जगह के थोड़े टाइम लैप्सेस एंड शॉर्ट्स दूंगा, मतलब वीडियो को थोड़ी धासु बनाएंगे। अभी टाइम हो चुका है करीबी में 7:27 इन द मॉर्निंग एंड दिल्ली में अभी 12 बजने को गए हैं, 2 मिनट बाकी हैं। तो आप लोग तो अभी धूप सेक रहे होंगे, सर्दी अच्छी खासी पड़ रही है इंडिया में। यहाँ पे कुछ भी सर्दी नहीं है, फुल एकदम गर्मी। और हम पी रहे हैं अभी हमारी ब्लैक टी। थोड़ी देर में हम चलेंगे ब्रेकफास्ट के लिए क्योंकि ब्रेकफास्ट जब नए नए आए थे तब तो 6 बजे चले जाते थे, बट अभी आदत हो गई, मतलब नींद पूरी नहीं होती तो 8 बजे उठ के अभी आदित्य और विनीत अपने रूम में सो रहे हैं। सो वो आएंगे तब हम ब्रेकफास्ट के लिए चलेंगे। तब तक मैं आपको थोड़े से रूम के शॉट्स दे देता हूँ, आप वो इंजॉय करो। तो वही बात पड़ गई भारी। हमने कुछ अच्छा खासा प्लान कर रखा था आज, बट प्लान हमारा बिल्कुल चौपट हो चुका है एंड अभी नीचे रिसेप्शन से कॉल आया कि आज ही हमको चेकआउट करना है एंड आज ही हमारी ज्वाइनिंग होनी है। एक सेकेंड, कॉल आया तेरे को? सो अभी पता नहीं किस टाइम चेकआउट होगा लेकिन आज ही हमारा चेकआउट है। सो व्यूज लेकिन मैं लेके जाऊँगा, बट बस यही है कि स्विमिंग पूल में स्विमिंग नहीं हो पाई, हो गई लेकिन शूट नहीं हो पाई। एनीवेज लेट्स गो। मेरे पास 2 कार्ड है सो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। कौन कॉल कर रहा है यार? वो मैं सोच वो कॉल कर रहा होगा ब्रेकफास्ट के। मैंने भी यही सोचा था कि तू तो ब्रेकफास्ट के लिए कॉल कर रहा होगा। रुक। हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? अभी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा डन एंड अभी थोड़ा चलेंगे बाहर कुछ शॉट। ओके सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बाहर का भी एंड देन चलेंगे ऊपर रूम में, तैयारी व्यारी करेंगे जाने के लिए। एजेंट कभी भी आ सकता है। सो सी दिस इज द व्यू। यहाँ पे ना एक गिरगिट फिरते रहते, इतने ज़्यादा गिरगिट है ना, हद ही नहीं है। एक वो सो रहा है, एक इधर सो रहा है, ये मज़े ले रहे हैं पूरे। अब आ गया। सो वहाँ पे है हमारा पोर्ट एंड ये एंकरेज एरिया है करीबी का। यहाँ से अराउंड 10 या 15 मिनट ही लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट पे पहुँचने के लिए। मे बी एजेंट अभी आएगा सो हमारे पासपोर्ट लेके जाएगा इमिग्रेशन के लिए एंड मे बी हमको लेके जाएगा शाम को। दिस इज़ नॉट कन्फर्म, मैं मेरी साइड से बोल रहा हूँ, हमको अभी भी लेके जा सकता है सो कुछ पता नहीं है अभी। वेसल जस्ट अभी एंकर पे आया है, एंकर ड्रॉप किया है। मज़ा पूरा आ रखा है यहाँ पे,
अब वो बंदे आ जाते ना तो शॉर्ट्स मेरे को अच्छे लेने को मिल जाते, बट अभी थोड़ी तकलीफ हो सकती है, बट एनीवेज हम लेके रहेंगे। हाय, आई लव यू। Subscribe to ASLR. Yeah, कुछ shorts हमको मिल गए हैं। I hope you will like it. ज़्यादा time नहीं है क्योंकि agent आने वाला है, तो हमको यहाँ से चलना पड़ेगा। इतने तुम कहोगे अभी इतने दिन रह लिए तो तुमने बनाया क्यों नहीं, तो मैं लगा हुआ था पूरी editing में और पिछली वाली video के अपलोडिंग में, सो टाइम बहुत लग गया। सबसे ज़्यादा गर्मी आपको बीच पे ही मिलती है, देखो पसीने इतनी देर में इतने ज़्यादा आ गए, कोई हद ही नहीं है गर्मी की। और अपने वहाँ पे सोड रजाई ले लेके सो रहे होंगे। एनीवेज चलो अभी चलते हैं, नाना धोना करते हैं। ये देख कितने सारे आ गए क्रिकेट, ओह माय गॉड। अरे रास्ता दे दे भाई जाने के लिए, हेलो रास्ता दे दे। चलो चलो चलो, वो देख ऐसे पुशअप्स देख, कितने अच्छे पुशअप्स निकाल रहे हैं ना। हे माय फ्रेंड, हाउ आर यू। भाग गया, ऑर्डर है ये नहीं डर रहा। वीडियो अभी भी 1 GB बची हुई है, अपलोड नहीं हुई है। माय गॉड, ये दिक्कत हो जाएगी अगर अपलोड नहीं होगी तो। मजा आ गया, पहली बार में बीच पे गया हूँ। कहोगे ना एक कंपनी हो तो मज़ा अच्छा खासा आता है, दोस्त लोग होते हैं तो मतलब मजा होगा तो कहना ही क्या, बट अब कोई है नहीं तो ऐसे ही इंजॉय करना पड़ेगा। एक बार मैं आदित्य से पहले से पूछ लेता हूँ क्या अपडेट चल रहा है। ओके सो गाइस, हमारा अर्जेंट आने वाला है 10 बजे एंड अभी टाइम हो चुका है 8:35 इन द मॉर्निंग। मुझे अभी रेडी होना पड़ेगा एंड तब तक वीडियो अपलोडिंग पे लगा रखी है। प्रे करो कि अच्छा खासा नेट स्पीड आ जाए, अदरवाइज वीडियो दम्मे रहेगी तो दिक्कत हो जाएगी, पूरी अपलोड नहीं हुई तो। 1 GB बची है, हो जाए तो हाँ मज़ा आ जाएगा, शांति आ जाएगी, अगली वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। सो इधर रख रहा हूँ मैं फ़ोन को, अभी अगर हो जाए जल्दी तो अच्छी बात है। तब तक मैं हो लेता हूँ रेडी, आप व्लॉग के साथ जुड़े रहिए। ओके सो गाइज, हम हो चुके हैं रेडी, अभी इट्स टाइम 10:00 इन द मॉर्निंग एंड लगेज भी हमारा रेडी है। एजेंट आ चुका है, एजेंट आके हमारे पासपोर्ट वगैरह लेके गया है, जो फॉर्मेलिटीज़ होनी है पोर्ट पे लाइक इमिग्रेशन वगैरह ये सब कुछ करवा के ले आएगा। और वैसल जो है वो एंकर से चल के पोर्ट पे अभी लग रहा है, सो मे बी विद इन 1 आवर वी विल चेक आउट फ्रॉम हेयर एंड विल गो टू द पोर्ट। एंड वीडियो अभी 4% बची है, मैंने फ़ोन विनीत के रूम में रखा है क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क अच्छा आ रहा है, मेरे रूम में नेटवर्क अच्छा नहीं है। सो आई होप जल्दी जल्दी वो अपलोड हो जाए पूरी वीडियो, क्योंकि बाहर जाके फिर मेरे को वाईफाई की दिक्कत होने वाली है। एंड वो अपलोड होते ही मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी पुट अप कर दूंगा और आप वीडियो देख लेना। 26 मिनट की वीडियो है एंड एकदम मस्त वाली वीडियो है। व्लॉग होने वाला है हमारा रेडी देखने के लिए, अभी बच्चे हैं 7 सेकेंड, 6, 5, 3, 2, 1, यू कैन वॉच इट। ओके सो गाइस, अभी निकलते हैं, एजेंट आ चुका है एंड हियर इज दित्य। मेरे वाला बज रहा है ना अभी, बजने दे, चल चलते हैं नीचे। उठाऊँ क्या तुम्हारा सब ले लिया तू? हाँ सही जगह वाला एजेंट जो हमको अभी सिप पे लेके जाएगा। कितना हुआ लेबर? आपको बाहर का व्यू एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं।
$50. I mean, in Indian currency, around 2 lakh rupees. So, as you can see, ये वाला है हमारा जहाज. So, अभी हो रही थी हमारी चेकिंग, सिक्योरिटी चेकिंग पीछे जो मेन गेट रहता है पोर्ट का वहाँ पे. एंड अगेन यहाँ पे फिर से होगी एक बार एंड देन फिर चलेंगे शिप पे. सो वी आर एट द पोर्ट नाउ एंड जस्ट 2 या 5 मिनट बाद हम ऑन बोर्ड हो जाएंगे. एंड गर्मी आप देख रहे हो कितनी है यहाँ पे. 5 मिनट के लिए बाहर खड़े हुए थे चेक इन के, सिक्योरिटी चेक इन के लिए एंड मशीन ने. माई गॉड, दिस इज द ऑफशोर प्लेटफॉर्म दिस वन. अलग ही फीलिंग आ रही है वहाँ पर, क्या ही बताएं. हाय, थैंक यू. गैंगवे पे चढ़ के मजा आ रहा है एकदम. नहीं नहीं फीलिंग आ रही है वो भी मस्त के साथ. सो जब भी कोई नया बंदा आता है तो यहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है जो भी ऑन बोर्ड होता है. सो वी आर 3 ऑन साइनर अभी से 5 टाइम फिनिश. सो फाइनली वी आर ऑन बोर्ड राइट नाउ. अभी हमको कैबिन हमारा मिला नहीं है, हम आदित्य के रूम में रह रहे हैं अभी के लिए. जब साइन ऑफ वाले शाम को 6 बजे चले जाएंगे देन हम हमारा रूम चेंज करेंगे. एंड राइट नाउ आई गॉट ऑल द पीपी एंड अभी चलेंगे लंच के लिए. डिनर हो गया है पूरा एंड अभी हमको चलना है हैंडओवर के लिए. एंड हैंडओवर के लिए मेरे को एक ये मिली है चेक. सो मैं जिसको रिलीव कर रहा हूँ वो पूरा हैंडओवर देगा मेरे को पूरी सिप पे. फैमिलराइजेशन करेंगे एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. एंड अगली वीडियो में मे भी थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि यहाँ पे सबके साथ मिलना जुलना एंड कैमरा के लिए परमिशन लेना थोड़ा टाइम लग जाएगा मेरे को. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड या वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग अगेन. बाय बाय.